साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई गोसाबा वालों की आवाज ऐसी होगी क्या? इतनी सारी माताएं बहने आई है आवाज दमदार, इतनी सारी माताएं बहने आई है आवाज दमदार होनी चाहिए, दमदार हो गया क्या? जय करो दमदार पक्का। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, पीछे दूर दूर खड़े लोग भी उठाएं, हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। 1 तारीख को तृणमूल कांग्रेस को हटाना है, मेरे साथ मुट्ठी बींचिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, राजस्थान में प्रतिपक्ष के उपनेता श्री राजेंद्र राठौर जी, हमारे सांसद हरीश त्रिवेदी जी, जिला अध्यक्ष 24 परगना श्री सुनीप दास जी, श्री गोपाल देवनाथ जी, श्री सोमेन कमिला जी, सुश्री अमृता बैनर्जी जी, श्री बीपी रॉय जी, श्री गौतम रॉय जी, श्री जितेंद्र फौजदार जी, हमारे साथ आए हुए हमारे मीडिया सेल के सह कन्वीनर भाई संजय मयूख जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, गोसाबा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चित्ता बरुण प्रामाणिक जी, अरे आ गया हो भाई, ए। और बसंती से श्री रमेश मांझी जी, और आज इस चिलचिलाती धूप में यहां पर आए हुए माताओं बहनों भाइयों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज गंगा सागर के पवित्र तीर्थ के पर इस भूमि पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मेरे साथ फिर से बोलिए सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर। मित्रों, मैं वन देवी वन दुर्गा को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जो हमारे जंगलों की सुरक्षा करती है। मित्रों, आज 23 मार्च है, शहीद दिन है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी का फंदा चुमकर अपने प्राणों की आहुति मां भारती को स्वतंत्र करने के लिए दिए थे। मैं तीनों शहीदों को प्रणाम करकर हम सभी की ओर से वो हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं बंग भूमि के रक्षक महाराजा प्रतापादित्य, जिन्हें मुगलों से लड़ते लड़ते सालों तक ये बंग भूमि की रक्षा करी, उनको भी मैं याद करना चाहता हूं। रायचरण सरदार, शिवनाथ शास्त्री जैसे महान समाज सुधारक, कन्हैयालाल भट्टाचार्य और शहीद विश्वजीत धोराई जैसे देशभक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं यहां आया हूं, मन में दुख लेकर भी आया हूं। ये बंगाल की भूमि ने पूरे देश को स्वतंत्रता की लड़ाई में नेतृत्व दिया। गुरुवर टागोर, प्रफुल्ल चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, न जाने कितने कितने हमारे शहीद
लोगों ने यहां पर अपने ध्यान नौछावर किए। और नेताजी को कैसे भूल सकते हैं, सुभाष बाबू ने उस जमाने में हजारों किलोमीटर की यात्रा काटकर अंग्रेजों को दिन में तारे दिखाने का काम किया था। मित्रों, दिन में तारे, वही बंगभूमि आज भ्रष्टाचार, टोलबाजी, घुसपैठ का अड्डा बनी हुई। मित्रों, इस पर मैं बाद में आता हूं। सबसे पहले हमारी सरकार बनने वाली है, भाजपा सरकार बनने वाली है, ये गंगा सागर क्षेत्र के लिए भाजपा सरकार बनेगी तो हम क्या करने वाले हैं वो बताना चाहता हूं। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए भाई, जरा जोर से बोलो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। मित्रों, ये घोसाबा विधानसभा 9 द्वीपों का समूह है, समंदर के होते हुए कलकत्ता से इतना नजदीक होने के बावजूद भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। शुद्ध पीने का पानी, माताएं बताएं, शुद्ध पीने का पानी आपको मिलता है क्या? जरा जोर से बोलो, मिलता है क्या? मित्रों, भाजपा सरकार बना दीजिए, 2 साल में नल के द्वारा शुद्ध पीने का पानी हर घर में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी।